बिलासपुर जेपी सीमेंट प्रभावित एवं विस्थापित परिवहन सहकारी सभा में गत नवंबर को बुद्धि सिंह ठाकुर के नेतृत्व में हुए चुनावों को दूसरे गुट ने अवैध करार दिया है तथा बुद्धि सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है तथा कहा है कि सभा को चुप से चुनाव करवाने के मामले पर पुलिस ने FIR दर्ज करवाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर सभा के कार्यकारिणी की खींचतान के कारण ऑपरेटरों को बैंकों के माध्यम से होने वाले करोड़ों रुपए का भुगतान अधर में लट गया है, जिससे ऑपरेटरों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि बुद्धि सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बनी कार्यकारिणी ने बैंकों को भुगतान के लिए पत्र जारी कर दिया है, जिससे बैंक प्रबंधन भी असमंजस की स्थिति में है। यहां पर सभा के पदाधिकारियों ने उपप्रधान परमा अनंत ठाकुर व महासचिव दौलत राम ठाकुर के नेतृत्व में असली सभा की कार्यकारिणी होने का दावा जताया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महासचिव दौलत राम ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा का गठन वर्ष मई 2015 में विधिवत रूप से हुआ था, जिसके बाद वर्ष 2017 में सभा के अधिवेशन में बुद्धि सिंह उपप्रधान श्याम लाल व लाल सिंह को सभा से बाहर कर दिया गया था। अब केवल सभा के साधारण सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सभा ने अधिवेशन को पूरा करवाने की कोशिश की, लेकिन बुद्धि सिंह ने इस कोशिश को कभी पूरा होने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बुद्धि सिंह व उनके साथियों ने गत नवंबर को चुनाव घर पर ही सभा के करवाए तथा इस बात की सूचना किसी को नहीं दी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सभा के 15 सदस्यों में से 12 सदस्य हैं तथा 3 सदस्य मनोनीत किए गए हैं, जिसमें से 7 सदस्य उनके साथ हैं। दौलत राम ठाकुर ने बुद्धि सिंह पर सभा व इससे जुड़े 800 ट्रक ऑपरेटरों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने माना है कि सभा के प्रधान महेंद्र ठाकुर स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्याग पत्र ले चुके हैं, लेकिन इस पद पर शीघ्र ही चुनाव करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर पुलिस अधीक्षक व सहायक पंजीकृत से भी मिलेंगे तथा सहकारी सभाएं कानून के मुताबिक बड़ी कड़ी कार्यवाही की मांग करेंगे। सर, इस बारे में मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमारी जो बिलासपुर जेपी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी खारसी जो है, उसकी मैनेजमेंट आज भी बरकरार है और केवल प्रधान का इलेक्शन जो था वो हमारा ड्यू है। और जो पिछले कल जिन लोगों ने क्लेम किया, उनमें से 3 लोग जो हैं, उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक 25 जून 2017 को निष्कासित कर दिया हुआ है। और जो भी कार्रवाइयां उन्होंने दिखाई हैं, बताई हैं, वो सब फर्जी कार्रवाइयां हैं और जिनके खिलाफ आज हम SP साहब को अभी तुरंत FIR करने के लिए शिकायत सौंप रहे हैं। भविष्य में आपका क्या स्टैंड रहेगा? सर, हम ये चाहेंगे कि हमारी सभा में 1000 से ज्यादा सदस्य हैं और 800 से ज्यादा ट्रक हैं, ये सभी लोगों को एकजुटता के साथ लेकर के हम ऑपरेटरों के हित में मौजूदा जो कार्यकारिणी है वो कार्य करती रही, जिसके आज की डेट में जो प्रधान का भी कार्यभार जिनके पास है, सभा के जो प्रधान प्रबंधन ठाकुर हैं, हम सब एकजुट होकर के सभा के हितों की रक्षा के लिए और लोगों के लिए कार्य करते रहेंगे।